¡Ganar! तो महिलाओं को कमजोर और अबला कहने वालों को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। दांतों से रस्सी बांधकर कई टन भारी टाटा 407 खींचने का ये दमखम एक महिला ने दिखाया है। एक बीजेपी महिला नेता की ये तस्वीर है। बीजेपी महिला नेता राजलक्ष्मी ने अपनी ताकत से हर किसी को हैरान कर दिया। एमपी के शिवपुरी में लक्ष्मी ने दांतों से टाटा 407 खींचकर शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन किया। राजलक्ष्मी की ताकत और इच्छा शक्ति को देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। लोग राजलक्ष्मी के उत्साह को बढ़ाने के लिए भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। और यूपी के स्वास्थ्य विभाग की बिगड़ी तस्वीर अब देख रही है आप। एम्बुलेंस का काम है बीमारों को वक्त रहते अस्पताल पहुंचाना, लेकिन जब एम्बुलेंस ही बीमार हो जाए तो आप क्या कहेंगे। ये तस्वीरें यूपी के मुजफ्फरनगर की हैं। गांव में एक मरीज की तबीयत बिगड़ने पर स्वास्थ्य विभाग की 102 एम्बुलेंस को लोगों ने कॉल किया। एम्बुलेंस वक्त पर गांव में पहुंची तो जरूर, लेकिन जैसे ही मरीज को लाने के लिए तैयार हुई वो बंद हो गई। बंद भी ऐसी हुई कि गांव के लोगों को एम्बुलेंस को ले जाने के लिए ट्रैक्टर से खींचकर मैकेनिक के पास पहुंचाना पड़ा। और अब ये तस्वीरें देखिए, पश्चिम बंगाल के नॉर्थ परगना जिले की एक बेहद ही शर्मनाक करने वाली ये तस्वीरें हैं। बुजुर्ग को पीट रहा युवक उसका अपना बेटा है। इस कलयुगी बेटे को पिता पर हाथ उठाते हुए शर्म भी नहीं आई। पिता की गलती सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या कोई बेटा ऐसा भी हो सकता है। पिता की गलती आपको बताते हैं, बस इतनी सी थी कि बेटे से पूछे बिना मिठाई का एक टुकड़ा अपनी पत्नी यानी कलयुगी बेटे की मां के साथ उन्होंने शेयर कर लिया था। ऐसे बेटों का तो सामाजिक रूप से बहिष्कार कर देना चाहिए। और अब बाढ़ और तबाही की ये तस्वीरें मेक्सिको से आई हैं। घरों में, सड़कों पर, हाईवे पर, हर जगह पानी ही पानी भरा है। मेक्सिको में दो दिन पहले हरिकेन विला तूफान ने भारी कहर बरपाया था। हालांकि पहले से जारी चेतावनी की वजह से सभी लोग सुरक्षित रहे, लेकिन तूफान के गुजर जाने के बाद अब लोग सोशल मीडिया पर वीडियोस शेयर कर रहे हैं कि किस कदर तबाही मची।